आप डाउटनेट ऐप पे मिलेगा आपको, क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक के साथ आईआईटी जेई तक के अप्लाई आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के वीडियो सॉल्यूशन अभी स्कैन करिए और क्रॉप करके पाइए इसका वीडियो सॉल्यूशन। एंड दोस्तों लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी डाउनलोड करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बात करेंगे आपके यूपी पॉलिटिक इंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए कि लेटर एंट्री क्या होता है। आज हम बात करेंगे आपके लेटर एंट्री के बारे में, यानी जो BTUP बोर्ड जो कि आपका यूपी पॉलिटिक इंट्रेंस एग्जाम 2020 के द्वारा लेटर एंट्री के थ्रू जो एडमिशन होता है वो किस तरह से होता है और लेटर एंट्री क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। एंड आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम में इसके बाद आपको किस ईयर में एडमिशन मिलेगा, आपको कौन कौन सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एग्ज़ाम में देने हैं सभी बताएंगे, कितने हैं सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, तो सभी ध्यान से सुनिएगा डिटेल में। अगर आप लेटर एंट्री लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ जानना है जो वीडियो में बताऊँगा, उसको जान लीजिएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको यूपी पार्ली एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड लेटेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन द्वारा मिले। और साथ में आपको बता दें, जो भी आपकी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आपका काउंसलिंग हो, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो, कुछ भी हो, वो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर ही मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट सबसे पहले मिले। और दोस्तों बता दें, मैंने लेटर एंट्री में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज भी है जो लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है आपके लिए कि व्हाट इज लेटर एंट्री, जो स्पेशल नॉलेज है आपको वहाँ पर भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं, कुछ स्पेशल नॉलेज है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप लोग मुझे खबरें पर फॉलो, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बताते हैं यूपी पॉलिटिक्स 2020 में लेटर एंट्री क्या। तो दोस्तों बता दें आप सभी को, जो लेटरल एंट्री होता है, यानी आपका जो है डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है जो कि लेटर एंट्री होता है, इसकी क्वालिफिकेशन 12th। अगर आपको नहीं पता है कि इसमें कौन कौन से ब्रांच हैं और कौन सा ग्रुप है, तो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाके अगर देखेंगे तो आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको कौन से ब्रांच में कौन सा जो है आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए कितना ड्यूरेशन है, कितने साल का कोर्स है एंड क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से ब्रांच हैं इस ग्रुप में, तो जाके ग्रुप वाइज वाला भी सिलेबस देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ग्रुप वाला जानना ज़रूरी है अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सा ग्रुप का फॉर्म भरना चाहिए। एंड दोस्तों आपको बता दें, जो लेटर एंट्री होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन होता है, और ये जो दोस्तों लेटर एंट्री होता है आपका डायरेक्ट के ग्रुप वालों के लिए है, के ग्रुप में आपका K1 से लेकर K7 तक होता है। एंड जल्दी इसके बारे में बता दूंगा कि K1, K2, 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 K3 सभी जो ग्रुप है, K के सब कैटेगरी सब ग्रुप हैं, वो उसमें कौन कौन से ब्रांच हैं। जैसे K4 में आपका मैकेनिकल होता है, तो उसी तरह अलग अलग के लिए अलग अलग ब्रांच है, तो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि लेटर एंट्री में जो के ग्रुप का है कौन से ब्रांच में, सिलेबस के बारे में बता दूंगा और कौन से ब्रांच में कौन सा ग्रुप में किस ब्रांच से स्टडी किया। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जो लेटर एंट्री होता है आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर एडमिशन लिया सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है, जो कि एडमिशन होगा दोस्तों आप लोग डायरेक्ट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्वालिफाई करके पास होके सेकेंड ईयर में आते हैं उन्हीं के साथ आपका एडमिशन कर दिया जाता है। और लेटर एंट्री की जो हर ब्रांच में केवल 6 सीटें होती हैं, यानी जो रेगुलर वाले स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं वो जैसे ही पास करके दूसरे साल में एंट्री लेते हैं, दूसरे साल में एडमिशन लेते हैं, आपको भी उन्हीं के साथ एडमिशन लिया जाता है एंड आपको सेकेंड ईयर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको जो फर्स्ट ईयर का 6 सब्जेक्ट है उसका भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, यानी क्वालिफाइंग होता है, केवल आपको उसमें पास करके दिखाना होता है हाँ आप पास हैं, और वो आपका जो नंबर है वो आपका मार्कशीट पर शो होगा, लेकिन आप जो है वो जुड़ेगा नहीं, यानी आप परसेंटेज जो ओवरऑल बनेगा आपका परसेंटेज आपका सेकेंड एंड थर्ड ईयर का ही बनेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी आप जो फर्स्ट ईयर का क्वालिफाइंग पेपर होता है उसको केवल आप पास करेंगे, क्वालिफाइंग करेंगे, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, आपका मार्कशीट में मिल जाएगा और उस पर शो होगा कि आपने कितना कितना मार्क्स पाया है, बस केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज केवल सेकेंड एंड थर्ड ईयर का ही बनेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंड जो सेकेंड ईयर में दोस्तों आपका एडमिशन होगा, इसके बाद आपको 6 सब्जेक्ट कौन कौन से देने हैं इसका भी वीडियो में बनाऊंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो जल्द ही बताऊंगा। और जो सब्जेक्ट है 6, यानी 3 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेकेंड से थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा एंड 3 सब्जेक्ट जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर में देना पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
एंड सभी कुछ इम्पॉर्टेंट आपको जल्द ही आगे वाले वीडियो में मिल जाएगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंड ग्रुप के बारे में भी जान लीजिए, कैसे फॉर्म फिल करना वो भी बना दिया है लिंक, इम्पॉर्टेंट जो है आपको मिल जाएगा। जाइए हमारे चैनल पर, विजिट करिए, कोई भी कन्फ्यूजन पूछिए। एंड लेटर इनटेक के बारे में आशा आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, जो कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। जल्दी इसका एक बनाऊंगा सिलेबस कि और साथ में किस ग्रुप में कौन कौन सा ब्रांच है, K1 K2 K3 के बारे में भी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट, आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद